मामले में तीन पार्टी की सरकार है, तीनों पार्टी की तरफ से अंदरूनी कलह जितनी लगी है, जैसे मामला सामने आया, एक दूसरे की तरफ इशारा किया गया। एनसीपी का कहना था कि जो बदलियां मोहम्मा रीजन में होती थी, शिवसेना करती थी, हमारा कोई लेना देना नहीं था। वही एनसीपी के गृह मंत्री की तरफ शिवसेना जो है वो उंगली दिखा रही थी। कांग्रेस का तो अपना अलग ही। देखिए, शिवसेना तो इससे पल्ला इसलिए भी नहीं झाड़ सकती क्योंकि सारी अपॉइंटमेंट्स ये मुख्यमंत्री जी के आदेश से होती है, या फिर जो एक बोर्ड होता है वो बोर्ड जिस प्रकार का निर्णय लेता है उस निर्णय का रेटिफिकेशन गृहमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं, और विशेष रूप से आईपीएस कहां पर देना, किसको देना, इसका पूरा अधिकार ये मुख्यमंत्री का होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें से पल्ला झाड़ना ये उनके लिए असंभव है, और निश्चित रूप से राष्ट्रवादी का भी वो कहना है कि केवल हम नहीं है इसमें, एनसीपी भी है और कांग्रेस भी अपनी जमीन उसमें तलाश रही है। कांग्रेस का ये कहना नहीं है कि ये गलत क्यों हो रहा है, कांग्रेस को लगता है भाई इतना सब हो रहा है उसमें हम कहाँ हैं, तो बहती गंगा में उनको भी हाथ धोना है।